गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पनेला स्कूल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में चैप्टर 9, जिसका नाम था स्वतंत्रता की ओर। तो बच्चों इसके लेसन को कल हमने पढ़ा था, है ना, आपको याद आया। और आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, चलो किताब को ओपन करो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपने किताब को ओपन किया, पेज नंबर 74, उसमें पहले लिखा गया प्यारे बापू। पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होगी, उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो पहली है, गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। दूसरी, गांधी जी चरखे पर खादी का सूत काटते हैं। तीसरा, गांधी जी अन्याय का विरोध करते हैं, है ना, हमने हमारे चैप्टर में ये पढ़ा था। फिर दूसरा, चूल्हा, क्या लिखा गया है यहाँ पे, चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके पद नाम पता करो और लिखो। ये सब आपने नाम देखे होंगे। देखो बच्चों, नाम दिए गए हैं यहाँ पे। ये क्या, ये चित्र है, किसका चित्र है ये, इसका नाम है स्टोव। फिर ये क्या है, चूल्हा। ये गैस, ये तो सभी के घर पे होता है। और ये कोयले की भट्टी, इसको हम अंगीठी भी बोलते हैं। इस पर हम सभी पहले खाना बनाते थे, अभी तो गैस पे बनाते हैं। देखो इसमें कौन कौन से ईंधन का काम होता है वो भी हम देखते हैं। देखो बच्चों, स्टोव, स्टोव में मिट्टी का तेल होता है, जो हम केरोसिन बोलते हो आप, उसको मिट्टी का तेल बोलते हैं। चूल्हा, चूल्हे में क्या जलाते हैं, तो चूल्हा जलता है, लकड़ी डालने पर चूल्हा जलता है। गैस स्टोव में रसोई गैस। कोयले की भट्टी मतलब कोयला, जो अंगीठी बोलते हैं ना वो। और आपके घर में बच्चों क्या इस्तेमाल होता है, तो देखो मेरे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखते हैं कहानी से आगे। प्रश्न, नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं, कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी और चरखा। तो देखो बच्चों आगे, तुम इसे काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से, शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। तो स्वतंत्रता, तो उसका क्या आज़ादी। सत्याग्रह, तो सत्य के लिए किया गया हट, हमने इसके शब्दार्थ हमारे पार्ट 1 में पढ़े थे, है ना बच्चों, याद है आपको। खादी, खादी का अर्थ होता है खद्दर, चरखे से बनाए गए धागे से बना मोटा कपड़ा। चरखा, तो धागा काटने की लकड़ी या यंत्र। इन सब के बारे में सभी बच्चे आपस में चर्चा करें और जानकारी इकट्ठा करके कक्षा में बताएं। फिर बच्चों आगे कहा गया है, आगे की कहानी। प्रश्न, गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे। धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर लिखो। तो बच्चे आप भी सोचो क्या हुआ होगा। तो देखो इसका उत्तर है, जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे, धनी ने उन्हें माला पहनाई, तब जल्द से बिन्नी ने बकरी का दूध लाकर गांधी जी को दिया होगा। क्यों, गांधी जी ने बोला था ना कि जब भी मैं लौट कर आऊँगा तो मुझे बिन्नी का दूध देना, मैं थक जाऊँगा तो मैं दूध पी के आराम करूँगा। गांधी जी हंसते हुए बोले, इतने दिन पैदल चलते चलते मैं कमज़ोर हो गया था, अब मेरी ताकत फिर से लौट आएगी, मैं सुबह शाम आपके लिए दूध लेकर आऊँगा। धनी ने खुश होकर कहा, सारे लोग ठहका लगाकर हंस पड़े। फिर बच्चों आगे कहा गया है, धनी ने गांधी जी से सुबह से के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। धनी ने गांधी जी से सुबह से बात करना इसलिए ठीक समझा होगा क्योंकि गांधी जी रोज़ सुबह आश्रम में पैदल घूमते हैं। दूसरा प्रश्न है, धनी बिन्नी को देखकर देखभाल कैसे करता था। धनी बिन्नी को हरी घास खिलाता था, बर्तन में पानी डालकर उसे पिलाता था, उसे आश्रम में चारों ओर घुमाता था। फिर धनी को कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है।
आश्रम में सभी लोग किसी खास चर्चा में लगे हुए थे। सभी लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर गंभीर बातें करते थे। इन सब बातों से धनी को महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही। फिर बच्चों आगे कहा गया है, कहानी और तुम। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों थे? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते क्यों? धनी यह जानने के लिए बहुत लिए उत्सुक था कि यह किस तरह की यात्रा है। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं यात्रा पर जाने के लिए जिद करता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हम अपने देश के लिए कुछ करूँ। गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया, क्योंकि धनी को बिन्नी बहुत पसंद थी। वो उसकी बहुत केयर ध्यान रखता था, इसलिए वो उसको अकेले छोड़ के नहीं जाने, इसलिए गांधी ने उसको ऐसे मनाया। ताकत के लिए गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? तो क्या क्या खाओगे बच्चों? इसमें बहुत सारे दिए गए, चटपटी, अंकुरित दाल, गरम समोसे, कराले गोलगप्पे, कुरकुरी, मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल, मसालेदार अचार, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफी, ठंडा शरबत। क्या खाओगे? तो देखो इसमें दिया गया है, यहाँ पे चटपटी अंकुरित दाल, दाल में बहुत प्रोटीन होता है इसलिए बच्चों दाल खानी चाहिए, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, कुरकुरी, मक्का की रोटी और खुशबूदार दाल। आप भी बच्चों घर पे खाया करो। विशेषता के शब्द, अभी तुम जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। तो देखो बेटा, मीठा क्या होता है? मीठा हलवा, सफ़ेद नमक, घना पेड़, छोटी चीटी, चिकना फत्तल, लंबा कुर्ता, मोटा चश्मा, लाल झंडा, ये सब इसकी विशेषता है। चांद की बिंदी, नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर सर्कल या सॉरी डॉट या चंद्र बिंदु लगाओ। तो देखो अभी शब्द दिए गए हैं, इसको हम पढ़ेंगे, धुआं, कुआं, ठूंक, कहाँ, स्वतंत्र, बांध, माँ, गांव, बंद गोभी, इंतजार और पसंद। तो बच्चों ये पर ऐसे ही शब्द दिए गए हैं कि कहाँ पर चंद्रबिंदु लगेगा और कहाँ पर डॉट लगेगा, वो हमने यहाँ पर लगा दिए, लगाए ना। देखो ऐसे ही हम पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे इसको हम, धुआं, तो क्या आएगा, धुआं, कुआ तो कुआ, फूक तो फूक ने फूंक, कहा तो कहाँ, स्वतंत्र तो स्वतंत्र आएगा, तो डॉट के इसके ऊपर, त के ऊपर ऊपर डॉट लगेगा, इसी करके आगे भी शब्द दिए गए हैं। फिर आगे कहा गया है, किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? माँ की जिम्मेदारी क्या होती है? माँ की जिम्मेदारी खाना पकाने की थी। पिता को चरखा काटकर धागा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। बिंदा को सब्जियां उगाने की जिम्मेदारियां दी गई थी। बच्चों आज हमने स्वतंत्रता की ओर पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़े, आपको समझ में आए? तो बच्चों अब हमको होमवर्क करना है, तो कैसे करोगे आप? जो हमारी किताब में खाली जगह दी गई है वो तो आप उसी में लिख देना, और जो खाली जगह नहीं दी गई प्रश्न उत्तर वो अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।